हैकर हैकर तो ही गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में आपके लिए लिख रहा हूँ क्राफ्ट एंड मैप का एक ऐसा कोड भाई, जिसके अंदर आपको ईगो गन भी देखने को मिलने वाली है और काफी सारे लेजेंडरी बंडल भी देखने को मिलने वाले हैं। और भाई लोगों, आज आप लोगों को काफी कुछ ऐसी नई नई चीजें देखने को मिलने वाली है जो की आपने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। भाई गेम के अंदर जो भी कोई नई चीज आती है, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो पीछे की ओर क्या ही बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप भाई ग्लोवाल देख ही सकते हो जो की भाई 19 लेवल की देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर आप बंडल्स देख ही सकते हो जो की काफी ज्यादा ही खतरनाक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया तो यार करके आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे क्राफ्टलैंड के मैप न्यू लेकर आते रहते हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा ही फायदेमंद होने वाले हैं और आप इनको खेलकर काफी ज्यादा ही एंजॉय करने वाले हो। ओके तो गाइस वीडियो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। तो देखो यार, अब मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर आपको क्या क्या चीज देखने को मिलने वाली है। सारी चीजें आपको मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरीके से मैप देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी जिनको आपने अभी तक किसी भी मैप के अंदर देखा नहीं होगा। ज्यादातर तो आप वीडियोस के अंदर ही देखते होंगे, वो भी शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको काफी न्यू चीजें देखने को मिलती हैं। और आपको इस इमोजी वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको काफी सारे यहाँ पर इमोट देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो आप सोच रहे हो कि भाई ज्यादा खास तो इमोट नहीं है, वैसे लेजेंडरी इमोट नहीं है, ईबो इमोट भी नहीं है, पर नॉर्मल इमोट भी काफी लेजेंडरी वाले इमोट हैं जो कि भाई काफी ज्यादा डायमंड लगता है, आपको तो पता ही इनको निकालने में। और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर सारी की सारी ईबो टोकन की गन्स देखने को मिल जाएंगी जो कि एकदम पूरी मैक्स होने वाली है। सबसे पहले तो मैं इन सभी गन को खरीद लेता हूँ और फिर आपको हाथ में लेकर दिखाता हूँ कि आपको इनकी गन की स्क्रीन शो करके दिखाता है या नहीं, फिर भाई ऐसी का ऐसी है या फिर आप सोचोगे एकदम फेक कोड है भाई, इसमें कोई भी वर्क नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो भाई मेरे हाथ में स्कार भी 7 लेवल की, M1887 भी 7 लेवल की, और यहाँ पर देख सकते हो थम्स अप गन को भी 7 लेवल की दिखा रहा है और एक्समेट भी 7 लेवल की आ रही है, बिल्कुल एकदम भाई नेक्स्ट लेवल की। और जो भाई AN94 की भी स्किन एकदम शो कर रहा है एक्समेट की, फार्मस की। भाई यहाँ पर MP40 भी आपको 7 लेवल की कोबरा देखने को मिलने वाली है। अब तो आप लोगों को मेरे ऊपर 100% भरोसा हो चुका होगा। देखो भाई, अब इमोज वाली ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सारे के सारे इमोट देखने को मिलने वाले हैं जो की बहुत ज्यादा लेजेंडरी होने वाले हैं। भाई मेरे पास तो कुछ यही है थोड़े से इमोट, और आप देख सकते हो भाई यहाँ पर अलग ही अलग इमोट हैं जो कि एकदम अच्छी तरीके से शो हो रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी करो भाई, कुछ भी करो, देख सकते हो यार इतने सारे मतलब कम से कम 20 से ज्यादा ही इमोट देखने को मिलने वाले हैं। ओके तो गाइस चलो, मैं आपको बहुत खतरनाक चीज दिखाने वाला हूँ। अब जैसे ही हमें यहाँ पर जीप लाइन है भाई, इससे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो अभी हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलने वाली है जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाली है। तो आपको यहाँ पर एक व्हीकल का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो इसके अंदर आपको काफी सारे व्हीकल्स देखने को मिल रहे हैं। तो अब देखो, अब हम नीचे आ चुके हैं, यानी कि हमारे दोस्त ने हमें किल कर दिया था। तो और अब हम इन व्हीकल्स को सभी को चलाकर दिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं सभी के सभी व्हीकल्स को मैंने खरीद लिया है। आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ पर बाइक, यार देखो बाइक भी नहीं यार, ये तो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर यार ये बाज देखो कितना ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है, क्या ही लाइट इफेक्ट फेंक रहा भाई, ऐसा लग रहा है कि हम किसी के बाज के ऊपर बैठ के जा रहे हैं और भाई ये क्या ही होने वाला है। और गाइस आपको तो पता ही है, ज्यादातर स्काई बोर्ड ही है भाई जिनको हम मैप के अंदर यूज करते हैं बीआर रैंक खेलते टाइम जब आसमान से उतरते हैं। तो अब देखो हम नेस्ट वाला घोड़ा वाला ले लेते हैं भाई, जो कि स्काई बोर्ड काफी ज्यादा ही खतरनाक है। इसको देखो यार क्या ही लग रहा है, जैसा लग रहा है कि भाई आग से फेंकता जा रहा है, जैसे किसी में आग लग गई हो। और भाई क्या ही ओपी लग रहा है एकदम खतरनाक तरीके से। वैसे अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार करके रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो। और हमारा होने वाला है नेक्स्ट वाला भाई, जो कि बाटर वाला है भाई, ये सर्कोड भाई, ये भी क्या ही खतरनाक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई हम किसी मॉन्स्टर के ऊपर बैठ के जा रहे हैं, यानी कि हमारी बाइक के अंदर कोई इनविजिबल पावर्स आ गई हैं जो कि कुछ अलग ही देखने को लग रहा है यार। और अगर गाइस आपके वो डिवाइस के अंदर नहीं शो करता है तो भाई उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, आपको कैसे आपके डिवाइस में वर्क करने वाला है 100%। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई, अब हमने खरीदा है ड्रैगन। तो भाई ड्रैगन तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी ड्रैगन के ऊपर बैठ के जा रहे हैं या फिर घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहे हैं, कोई भी थोड़ा सा भी डिफेंस देखने को नहीं मिल रहा। गाइस अब हमारी नेक्स्ट होने वाली है स्काई ड्राइविंग, जो कि सेंट्रा क्लॉस वाली है भाई, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगती है, ओपी लगती है। इससे काफी अच्छी तरीके की धुन निकलती है, आवाज भी आती है, आपने सोचा होगा और सुनी भी होगी भाई, जब भी आपके गेम में अगर आपका फ्रेंड के पास होगी या फिर आपके पास भी होगी यार, बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगती है। यहाँ पर देख सकते हो आधी से ज्यादा तो जमीन के नीचे ही घुस गई है भाई, क्या ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी चीज के ऊपर जा रहा है या फिर ट्रैक्टर के ऊपर बैठा है। गाइस अब हमारी होने वाली है नेक्स्ट प्रेड शिप भाई, जो कि प्रेड शिप की तो आपको पता ही भाई ये कितनी ज्यादा ही बड़ी लगती है देखने के अंदर। वो भाई यहाँ पर देख सकते हो भाई गोल्डन कलर में क्या ही खतरनाक लग रही है, ऐसी लग रही है कि भाई हम किसी जैक स्पैरो वाली मूवी से एक्सपायर होकर आ गए हों यार। देखो क्या ही छोटा वाला जहाज है जो कि जैक स्पैरो का भाई उसके अंदर होता है बोतल के अंदर, अगर आपने वो वाली मूवी देखी होगी तो उसके अंदर आपने जरूर देखा होगा भाई, बहुत ही खतरनाक लग रहा है। और यहाँ पर भाई क्या ही शो कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई हम तो पूरे मैप में हम ही हमें और कोई तो दिखाई भी नहीं दे रहा। भाई जैसे ही बोर्ड के दौरे आते हैं तो आपके नाम के आगे BVS देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको काफी ज्यादा ही खतरनाक लुक देने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो भाई हमारी जो शिप है भाई कार्गो शिप, ये
क्या ही लग रही है। तो गाइस अब हमारी नेक्स्ट जो चीज होने वाली है वो होने वाली है DVL वाली भाई, जो कि एडिटिंग में उसने यूज की थी सबसे पहले, जो कि हमारे क्लॉक टावर के पास में एक गाड़ी जो दिखाई दी जाती है आपको खराब वाली, जो कि भाई कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाली है। आप सोच रहे होगे कि भाई ये कैसी लग रही है यार, देखो यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से लग रहा है जैसे कि हम किसी ट्रेन के अंदर बैठे हों बाइक लेकर, और भाई यहाँ पर तो ये गाड़ी देख ही सकते हो आप क्या ही खतरनाक लग रही है। उसके अंदर तो एडिटिंग थी और यहाँ पर तो हमने रियल में इसको चलाकर भी दिखा दिया आपको। अगर भाई लोगों आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी न्यू वीडियो लेकर आएंगे बहुत ही ज्यादा। जैसे ही आप कपड़ों वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको काफी सारे बंडल्स और काफी सारे यहाँ पर मुकुट देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको चेहरे पर लगाने को मिलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो न्यून क्रिमिनल यानी कि घोस्ट क्रिमिनल देखने को मिलने वाला है आपको यहाँ पर, काफी ज्यादा ही खतरनाक है। आपको तो पता ही है अभी के टाइम में ही गेम के अंदर आया और भाई जो कि काफी ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है, और काफी सारे बंदे और काफी सारे यूट्यूबर्स इस क्रिमिनल बंडल को पहन कर भाई काफी सारी वीडियोस बना रहे हैं। तो आप भी इसी ट्रिक का यूज कर अपनी वीडियोस बना सकते हो या फिर अपने दोस्त को दिखा सकते हो। यहाँ पर देख ही सकते हो EPP, जो आपको ये दो ऑप्शन देखने को मिलने EPP और TPP, इनमें से अगर आप EPP पर क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से शो करने वाला है आपकी स्क्रीन के आगे, और अगर आप TTPP पर क्लिक करते हो तो आपका जो है करेक्टर यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। तो आप यहाँ पर काफी सारे बंडल्स देखे आपने, तो अब भाई उनको मैं पैर कर यहाँ पर चेंज करके भी दिखा दिया, और यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी इस वीडियो के अंदर, काफी सारे इमोट्स भी दिखा दिए जो कि आपको काफी ज्यादा ही खतरनाक लगे होंगे। अगर आपने अभी तक भाई ऐसी चीजें नहीं देखी है तो भाई आप इस वाले मैप को खेल भी सकते हो और काफी ज्यादा एंजॉय भी कर सकते हो। इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें अलग अलग देखने को मिलने वाली है। अगर भाई लोगों आपका दोस्त आपका फ्रेंड या फिर आपको किल कर देता है या फिर आपका सामने वाला, तो आपकी बाउंड्री में से भी आपको इफेक्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि ईवो गन्स के साथ हमेशा देखने को मिलता है। आपको काफी ज्यादा ही खतरनाक लुक देखने को मिलने वाला है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा OP लगता है जब भी आप किसी एनिमी को किल करते हो, और भाई जबकि 7 लेवल का इफेक्ट देखने को मिले तो कुछ ज्यादा ही OP या ओसम लगता है देखने में। तो देखो यार अब हम 7 लेवल की M40 लेकर खड़े हो चुके हैं और अब हमारे सामने आ रहा है एनिमी और इसको किल करके दिखाएंगे तो भाई कैसा लगने वाला है, या फिर वो हमको किल कर देगा तो फिर हमें कैसा लगने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यार हम एक बंडल को चेंज कर लेते हैं जो कि काफी ज्यादा ही खतरनाक लगने वाला है। तो भाई यहाँ पर चलो हम इस वाले बंडल को पहन लेते हैं, बहुत बाकी सारे के सारे बंडल तो हमने ट्राई कर लिए, और ये वाला भी ट्राई करके देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ही अच्छा लगने वाला है। और अब हमारे पास में एनिमी आ चुका है और इसके ऊपर फायर करके देखते हैं भाई क्या ही होने वाला है, क्या ही लुक लगेगा। और भाई लोगों हाँ इस मैप के अंदर भी आपको 7 ही राउंड देखने को मिलने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा ही खतरनाक तरीके से चलने वाले हैं। और यहाँ पर हम जैसे ही एनिमी के ऊपर फायर कर रहे हैं तो आप देख ही सकते हो काफी अच्छा डैमेज दे रही है, जैसे कि ईवो टोकन की गन्स देती है बिल्कुल सेम ही उसी तरीके का डैमेज देखने को मिल रहा है। और आप लोग देख ही सकते हो अपनी आंखों से भाई गिलवाल को भी बहुत ही आसानी से तोड़ रही है ये वाली कोबरा M40 भाई, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है देखने में। देख सकते हो कितनी आसानी से गिलवाल को आसानी से ब्रेक कर रही है। और यहाँ पर एनिमी के पास भाई 7 लेवल का M10 पता नहीं क्या होगा, वो भाई इसने तो हमारा M10 की मदद से बहुत ही आसानी से किल कर दिया। तो चलो गाइस अब मैं आपको इस मैप का कोड बता देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम का होने वाला है। आपको इस मैप को कैसे कैसे खेलना है भाई आपको फिर एंजॉय आ जाएगा। तो देखो पहले तो आपको सिंपली ऐसे कोई ग्रुप बना लेना है जब भी आप इस मैप को आसानी से खेल पाओगे, वरना तो स्टार्ट होने में थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है। अब आपको क्राफ्टलैंड के अंदर चले जाना है, तो आपको यहाँ पर मैप जो सर्च करने वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको मैप का कोड पेस्ट कर देना है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है या फिर आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर, और फिर अपने फ्रेंड को बुलाओ और आसानी से मैच को स्टार्ट कर लो और खेलो और एंजॉय करो, या फिर अपने फ्रेंड को नहीं तो फिर बल्ड से भी बुला सकते हो आप बंदियों को, उनके साथ भी आप आसानी से इस मैप को खेल पाओगे। अगर आप सोच रहे हो ये मैप कोड फेक है तो भाई देख सकते हो आप यहाँ पर बिल्कुल भी फेक नहीं है, यहाँ पर मैं इसी मैप के अंदर आ चुका हूँ और अब इस मैच को मैं खेल भी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो कंप्लीट देख लिया तो एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।